एक सुहानी शाम आप और आपका बॉयफ्रेंड साथ कॉफी पी रहे हैं। अचानक ही वह कह उठता है, चलो कल मेरे परिवार के साथ डिनर करते हैं। उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप फौरन मना कर देंगी या फिर मिलने को लेकर उत्साहित होंगी? जो भी हो, अपनी छवि बनाने के लिए आपके पास एक सुनहरा मौका होगा। आप भी जानती हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और यह पहला मौका आपके भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के परिवार वालों से मिलते समय क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। वक्त की नज़ाकत को समझें। मुलाकात करने पर राजी होने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके और आपके बॉयफ्रेंड के रिश्ते सामान्य हों। ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच तकरार चल रही हो और उसका असर आपकी उस अहम मुलाकात पर पड़ता दिखाई दे। अपने परिवार से मिलवाकर आपका बॉयफ्रेंड इस बात की ओर इशारा करता है कि वह अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाना चाहता है। यह मुलाकात उसी पड़ाव की ओर एक कदम हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात ही हो। तो मुलाकात से पहले बेहतर है कि किसी भी तरह की दुविधा ना हो, आप सीधे उससे सवाल कर या पूछ सकती हैं कि आखिर यह किस तरह की मुलाकात है। मुलाकात से पहले जाने, आप और आपका बॉयफ्रेंड एक जैसे ही हैं। आप दोनों की राय, पसंद और नापसंद सब एक जैसी है, लेकिन हो सकता है कि उसके परिवार वाले अलग हों। उनकी सोच, खान पान, पसंद नापसंद सब कुछ अलग हो सकता है। तो मुलाकात से पहले जरूरी है कि आप इन सब बातों के बारे में जानकारी हासिल करें, या जानने की कोशिश करें कि आखिर बॉयफ्रेंड के माता पिता की मुलाकात कैसे हुई, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई। संभव हो तो उनकी परवरिश के बारे में भी अपने बॉयफ्रेंड से जानकारी हासिल करें। हो सकता है कि बॉयफ्रेंड के अभिभावकों से सहज होने के लिए आपके हाथ कोई सूत्र लग जाए, गिफ्ट ले जाएं। अपने बॉयफ्रेंड के परिवार वालों के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा लेकर जाएं। यह तोहफा बातचीत की शुरुआत करने और आपको सहज होने का एक मौका देता है। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखें कि यह तोहफा उनकी पसंद को ध्यान में रखकर दिया जाए। एक अच्छा तोहफा आपके काफ़ी काम आ सकता है। अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में मदद लें, वह अपने माता पिता की पसंद जरूर जानता होगा। आप नहीं चाहेंगी कि आप कोई ऐसा तोहफा लेकर जाएं जिसे वे इस्तेमाल ही न कर पाएं। आप ले जाएं मिठाई और वे मधुमेह के रोग के रोगी हों, तो यह स्थिति जरा असहज कर देने वाली हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।